Hello everyone, welcome to our online e-learning platform of Agriculture and GK. I am Ankita Singh here. Today I will discuss about Agriculture Engineering MCQ Bulletin, under which we cover on topic unit operation, which is very important topic in food engineering. This is our course related information. Junior Engineer, Assistant Engineer, Agriculture, all is its complete course available here. Under this course, recorded video classes, PDF notes as per syllabus, previous year paper, MCQs, question bank, full mock test, personal guidance and interview help, and YouTube classes and class notes are available in this course. For more information, you can contact with this contact number. So, let's start our discussion. Question number 1. Which of the following is an advantage of size reduction? इसमें से कौन सा है जो कौन सा ऑप्शन है जो साइज रिडक्शन का एडवांटेज है? तो ऑप्शन नंबर ए इज एनहांस्ड हीट एंड मास ट्रांसफर वी इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद सर्टेन फूड आइटम. सी enhanced heat and mass transfer and intimate contact with certain food items, and option number D is none of the mentioned. So option number C is correct here, because in size reduction जो हमें obtain होता है उससे heat and mass transfer enhance होता है और contact surface area increase होता है. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन. इसमें से कौन सा है मेथड है जो साइज रिडक्शन में यूज नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कटिंग, बी इंपैक्ट, सी बर्निंग एंड सी सॉरी एंड डी शियर. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि साइज रिडक्शन में बर्निंग मेथड नहीं होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. Under which इसमें हमें चूज करना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 इज ग्राइंडिंग लॉज आर बेस्ड ऑन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सरफेस एरिया. स्टेटमेंट नंबर 2, इन जनरल ऑल द लॉज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं वो सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4. किक्स लॉ इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन रिटिंगर्स लॉ एंड बॉन्ड्स लॉ. इसमें कहा गया किक्स लॉ जो है इंटरमीडिएट है रिटिंगर्स और बॉन्ड्स लॉ में, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि किक्स लॉ फॉर कोर्सर मटेरियल ओनली एंड रिटिंगर्स लॉ यूज फॉर वेरी फाइन मटेरियल. बट बॉन्ड्स लॉ स्टेट बॉन्ड्स लॉ को हम इंटरमीडिएट मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि बहुत फाइन और बहुत कोर्सर मटेरियल के बीच का ये लॉ होता है बॉन्ड्स लॉ. इसमें दोनों तरह के मटेरियल को हम पर ये लॉ लगा सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ऑपरेशन डज नॉट यूज द प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन फॉर ऑप्टिक्स ऑपरेशन. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइज रिडक्शन का प्रिंसिपल यूज नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्लॉटरिंग ऑफ बर्ड फॉर फूड, ट्रिमिंग ऑफ फिश Trimming of fish to remove inedible portion, C mincing of meat and D none of answer. तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए बी और सी है, तो ये यूनिट ऑपरेशन के मेथड होते हैं. बट तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 6. 4 स्क्रीन्स कैन सेपरेट डैश डिफरेंटली साइज्ड पार्टिकल. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि जितनी स्क्रीन होती है उससे एक ज्यादा हमें साइज नंबर ऑफ साइज मिलता है पार्टिकल की. तो जैसे कि यहाँ पे 4 स्क्रीन है, तो यहाँ पे n प्लस 1 हमें साइज मिलेगी उसकी पार्टिकल की. तो यहाँ पे 5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 7.
व्हाट आर द साइज रिडक्शन लॉज? साइज रिडक्शन लॉज क्या होते हैं? तो विटिंगर्स लॉ, क्विक्स लॉ एंड बॉन्ड्स लॉ, तीनों जो होते हैं वो साइज रिडक्शन के लॉज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच मैकेनिज्म इज यूटिलाइज्ड व्हेन द कंकर्जन कंकर्जन मीन्स हैवी ब्लो बाय अ सिंगल रिजिड फोर्स? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इम्पैक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ नट क्रैकर? नट क्रैकर जो होता है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट, बी कंप्रेशन, सी शियर, डी टियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा कंप्रेशन वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नट क्रैकर की जो मैकेनिज्म होती है वो कंप्रेशन होती है। इन कंप्रेशन फोर्स दो तरह के रिजिड फोर्स एक्ट करते हैं, उसके बीच में वो मटेरियल को प्लेस किया जाता है और वहां से हम साइज रिडक्शन ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शियर फोर्स? शियर फोर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी, बी फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ बॉडी, सी फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल टू सरफेस ऑफ अ बॉडी, डी फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन वर्टिकल टू द सरफेस ऑफ बॉडी। तो यहाँ शियर फोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो फोर्स जो होती है एक्ट करती है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ बॉडी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाई इज यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज इम्पॉर्टेंट? पार्टिकल साइज रिडक्शन में यूनिफॉर्म पार्टिकल की यूनिफॉर्म साइज क्यों रिक्वायर्ड होती है? ऑप्शन नंबर ए कलर इंप्रूवमेंट, बी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, सी फ्लेवर इंप्रूवमेंट, डी कलर एंड फ्लेवर इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी वो करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें जो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज मिलता है जो साइज रिडक्शन में वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइज रिडक्शन यूनिट ऑपरेशन इन लिक्विड? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइज रिडक्शन यूनिट ऑपरेशन लिक्विड्स के लिए यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मिलिंग, बी मिक्सिंग, सी ग्राइंडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन जो होता है वो लिक्विड्स के लिए यूज होता है, साइज रिडक्शन ये लिक्विड्स के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए शेप एंड साइज, बी टेम्परेचर, सी प्रेशर एंड डी विस्कोसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा शेप एंड साइज वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो फैक्टर साइज रिडक्शन में फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो शेप एंड साइज स्पेशली अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज साइज रिडक्शन इक्विपमेंट? साइज रिडक्शन इक्विपमेंट क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ए एडिंग एनर्जी टू अ मटेरियल टू मेक लार्ज पीसेस स्मॉलर, बी रिमूविंग एनर्जी टू अ मटेरियल टू मेक लार्ज पीस स्मॉलर, एंड ऑप्शन नंबर सी इज एडिंग एनर्जी टू अ मटेरियल टू मेक स्मॉल पीसेस लार्जर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिमूविंग एनर्जी टू अ मटेरियल टू मेक स्मॉल पीसेस लार्जर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी डी ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइज रिडक्शन में हम साइज रिड्यूस करते हैं बाय एडिंग एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज ऑफ रनर एज? सॉरी एज रनर एक इक्विपमेंट होता है साइज रिडक्शन का, तो उसमें पूछा गया है उसका यूज किस लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए टू क्रश द पीसेस, टू कंप्रेस द पीसेस, टू टियर द पीसेस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज टू शियर द पीसेस। तो ये यूज होता है मटेरियल को क्रश करने के लिए पीसेस में। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो होते हैं वो रोल्स स्टील रोल्स जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं इसमें, और वो रोटेट करते रहते हैं हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे, और इसमें जो फाइब्रस मैटर या क्रशिंग स्टोन से जो फाइब्रस मैटर होते हैं वो क्रश होते हैं। तो
का यूज इसलिए किया जाता है क्रश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, रिटिंगर्स लॉ स्टेट्स दैट, रिटिंगर्स लॉ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बी, एनर्जी रिक्वायर्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सी, प्रेशर रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। डी, प्रेशर रिक्वायर्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी जो होंगे वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता है डायरेक्टली। यहाँ पे साइज रिडक्शन में एनर्जी से रिलेशन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इन रिटिंगर्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज बॉन्ड्स लॉ? बॉन्ड्स लॉ क्या होता है? बॉन्ड्स लॉ होता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, वर्क रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। बी, वर्क रिक्वायर्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। एंड सी, एनर्जी रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। एंड ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड फ्लो में वर्क रिक्वायर्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई दिस साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। इस फिगर में जो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट दिया गया है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है? ये बर मिल साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है। दिस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस, सॉरी, ये जॉ क्रशर है। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज, जॉ क्रशर इज मोटराइज्ड बाय अ डीजल और गैस मोटर। द जॉ क्रशर ब्रेक्स मटेरियल इन अ क्रशिंग चैम्बर। ये क्रशिंग चैम्बर है, इसमें मटेरियल क्रश होता है। द मटेरियल आर पुश्ड इनसाइड द चैम्बर फ्रॉम टॉप ओपनिंग, इट इज टॉप ओपनिंग, एंड द व्हेन इट क्रश्ड दे आर दे कैन रिलीज थ्रू द बॉटम ओपनिंग। ये बॉटम ओपनिंग है, तो इसकी वर्किंग हो गई है और ये जॉ क्रशर है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एट्रिशन मिल? एट्रिशन मिल जो होता है उसका अदर नेम क्या है? तो एट्रिशन मिल का जो अल्टरनेट नेम है वो बर मिल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स इन बॉल मिल? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल फोर्स। बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सी, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड डी, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फोर्स। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बॉल मिल होता है वो फोर्सेस पे वर्क करता है, जिसमें ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल? बॉल मिल जो होती है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंपैक्ट एंड एट्रिशन। बी, कंप्रेशन एंड एट्रिशन। सी, शियर एंड कंप्रेशन। एंड डी, टियर एंड इंपैक्ट। तो यहाँ पे जो वर्किंग प्रिंसिपल बॉल मिल का होता है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये इंपैक्ट एंड एट्रिशन पर वर्क करता है बॉल मिल। तो क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल रोलर मिल? ये यहाँ पे फिगर जो है वो ट्रिपल रोलर मिल का फिगर है। इसमें कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल होता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शियर जो होता है ये ट्रिपल रोलर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इसमें जो रोलर होते हैं वो अपने डिफरेंट डायरेक्शन, एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई हेक्सेन इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन? हेक्सेन जो होता है वो एक्सट्रैक्शन में क्यों यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इजी ऑयल रिकवरी। बी, हायर बॉइलिंग पॉइंट। सी, इजी सेपरेशन। एंड डी, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इजी ऑयल रिकवरी हो इसके लिए एक्सट्रैक्शन में हेक्सेन का यूज किया जाता है।
हेक्सेन के अलावा हम एक्सट्रैक्शन में और भी हेक्सेन का यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन में इजी और रिकवरी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड बॉइलिंग पॉइंट, एंड ऑप्शन नंबर बी सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉलिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी सेपरेट कंपोनेंट्स एट लोअर टेम्परेचर, बी सेपरेटेड थ्रू इवेपोरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉलिबिलिटी। दिस इज वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ICRJRF एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, और आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं बाय वेरी लेस अमाउंट 3000 ओनली। इस कोर्स में फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको एंड टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स कवर होंगे। आप इसके PDF को और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और ये सारे कोर्सेज जो हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बनाए गए हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजेस ऑर्डरलेस फैट्स आर एज सॉल्वेंट। इसमें से कौन से मेथड है जो ऑर्डरलेस फैट सॉल्वेंट के लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए CO2 एक्सट्रैक्शन, बी माइक्रिएशन, सी इन्फ्लोरेस एंड डी कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लोरेस जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इन दिस मेथड इन इन्फ्लोरेस मेथड petals are placed between layers of purified animal fat where it gets saturated with flower oil and alcohol. It is used to recover citrus oils from fruit peels. So option number C correct hua. Question number 26, what is the other name of expression method? Expression method jo hota hai uska alternate name kya hai? Option number A CO2 extraction, B micreation, सी इन्फ्लोरेस एंड डी कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन। तो एक्सप्रेशन मेथड जो होता है उसका अल्टरनेट नेम है कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज सॉल्वेंट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल्स। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट है जो एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम ईथर, बी अमोनिया, सी वाटर एंड डी डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम ईथर वो करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम ईथर के अलावा हम हेक्सेन और मेथनॉल का भी यूज करते हैं ऑयल को एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28, हाउ टू इंक्रीज द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी। एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रश द मटेरियल बी डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी ड्राई द मटेरियल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मटेरियल को क्रश करके हम एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, बिकॉज अगर जो मटेरियल को हम क्रश कर देते हैं तो इजीली जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, इज कोल्ड एक्सट्रैक्शन द सेम एज कोल्ड प्रेस। तो यहाँ पे ये जो दिए गए स्टेटमेंट वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कोल्ड प्रेस एंड कोल्ड एक्सट्रैक्शन रेफर्स टू द ऑयल दैट आर नॉट हीटेड ओवर 27 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, देयरफॉर रिटेन्स न्यूट्रिएंट्स। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इज मेड बाई प्रेसिंग प्रोडक्ट इन द ट्रेडिशनल वे, वेयर एज कोल्ड एक्सट्रैक्शन इज ऑयल ऑब्टेन्ड यूजिंग सेंट्रीफ्यूज।
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डू यू रिमूव हेक्सेन फ्रॉम ऑयल. हेक्सेन को कैसे रिमूव करेंगे ऑयल से. तो ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम डिस्टिलेशन, बी CO2 एक्सट्रैक्शन, सी मैक्यूरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लोरेज. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू हम हेक्सेन को अलग करते हैं ऑयल से. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन क्या होता है. ए प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड, बी प्रोसेसिंग ऑफ डिस्पर्सिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स एंड सी प्रोसेस द डिस्पर्सिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स. ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस द सेपरेटिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. ये इमल्सिफिकेशन होता है कि प्रोसेस ऑफ टू डिस्पर्सिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टाइप ऑफ इमल्सन इज इन मिल्क. तो मिल्क में किस तरह का इमल्सन होता है. तो ऑप्शन नंबर ए ऑयल इन वाटर, बी वाटर इन ऑयल एंड ऑप्शन नंबर सी वाटर इन वाटर एंड डी ऑयल इन ऑयल. तो यहाँ पे मिल्क जो होता है किस तरह का इमल्सन होता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑयल इन वाटर. मतलब इमल्सन क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फेज होता है. इसमें दो फेज होते हैं, एक कंटिन्यूअस फेज होता है और एक डिस्पर्स फेज होता है. तो यहाँ पे ऑयल इन वाटर में जो ऑयल होगा वो कंटिन्यूअस फेज होगा और जो वाटर होगा वो कंटिन्यूअस फेज होगा और जो ऑयल होगा वो डिस्पर्स फेज होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टाइप ऑफ इमल्सन इज इन बटर. कौन सा टाइप का इमल्सन होता है बटर में. ऑप्शन नंबर ए ऑयल इन वाटर, बी वाटर इन ऑयल, सी वाटर इन वाटर एंड डी ऑयल इन वाटर. तो किस तरह का इमल्सन होता है बटर में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वाटर इन ऑयल वो करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पज ऑफ होमोजेनाइजेशन. होमोजेनाइजेशन जो होता है उसका पर्पज क्या होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इमल्सिफिकेशन, बी इवोपोरेटिंग एंड सी हीटिंग एंड डी डिस्पर्स फ्रीजिंग. तो पर्पज जो होमोजेनाइजेशन का होता है वो इमल्सिफिकेशन होता है. बिकॉज द पर्पज ऑफ होमोजेनाइजेशन इज इमल्सिफिकेशन वेयर इट ब्रेक्स डाउन फैट मॉलिक्यूल्स इन मिल्क एंड डजिस्ट सेपरेशन. इसमें क्या होता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली वो हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फाइन ग्लोबुल फॉर्म करते हैं, जिससे ये क्रीम फॉर्मेशन को रोकते हैं. तो होमोजेनाइजेशन इमल्सिफिकेशन करने के लिए होता है. क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ इमल्सन. विस्कोसिटी जो होती है इमल्सन की कैसे इंक्रीज होती है, कौन सा फैक्टर होता है जो इंक्रीज करता है. ऑप्शन नंबर ए स्टेबलाइजर्स, बी कैटालिस्ट, सी टेम्परेचर एंड डी प्रेशर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टेबलाइजर. क्वेश्चन नंबर 36, हाउ टू डिटरमाइन टाइप ऑफ इमल्सन. टाइप ऑफ इमल्सन किस तरह का है किसी भी मटेरियल में, तो उसे बताने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं. ऑप्शन नंबर ए कंडक्टिविटी टेस्ट एंड बॉइलिंग टेस्ट, बी कंडक्टिविटी टेस्ट एंड डिस्टिलेशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट एंड बॉइलिंग टेस्ट. ऑप्शन नंबर डी डाइल्यूशन टेस्ट एंड कंडक्टिविटी टेस्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. जो डाइल्यूशन टेस्ट होता है वो ऑयल इन वाटर के इमल्सन के लिए होता है और जो डाइल्यूटेड इसमें जो कंडक्टिविटी टेस्ट होता है वो वाटर इन ऑयल के लिए होता है. और कंडक्टिविटी टेस्ट जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं इस टेस्ट में. तो क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क. पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के लिए मिल्क का टेम्परेचर कितना होता है. ऑप्शन नंबर ए 73, बी 89, सी 63, डी 65. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. 73 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए फॉर पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क. तो सॉरी मीट. तो क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट गैसेस यूज फॉर गैस स्टनिंग इन मीट प्रोसेसिंग. मीट प्रोसेसिंग में गैस स्टनिंग के लिए कौन से तरह की गैस यूज की जाती है. तो आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनियम. तो ऑप्शन नंबर ए जो है आर्गन वो करेक्ट होगा यहाँ पे.
क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर बैच पॉस्चराइजेशन? बैच पॉस्चराइजेशन का अल्टरनेट नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेट पॉस्चराइजेशन, एसटी पॉस्चराइजेशन, यूएसटी पॉस्चराइजेशन, कोल्ड पॉस्चराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेट पॉस्चराइजेशन जो होता है बैच पॉस्चराइजेशन का अल्टरनेट नेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, What is the other name for batch? Sorry, this is repeated question. So question number 40. What happens when milk is pasteurized? When milk pasteurized होने पर क्या होता है? Option number A reduces the bacterial population, destroys spores, and C import color, B impart color and impart flavor. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम पाश्चराइजेशन करते हैं तो वो बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो होती है वो रिड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज स्टरलाइज्ड? जब मिल्क स्टरलाइज्ड होता है तब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रिड्यूसेस द बैक्टीरियल पॉपुलेशन, बी डिस्ट्रॉयज स्पोर, सी इम्पार्ट कलर, डी इम्पार्ट फ्लेवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है डिस्ट्रॉय स्पोर्स वो करेक्ट होंगे, क्योंकि स्टरलाइजेशन में हम स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और पाश्चराइजेशन में हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। तो दिस इज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द चिलिंग टेम्परेचर ऑफ मिल्क? चिलिंग टेम्परेचर जो होती है मिल्क कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 to 2 डिग्री सेल्सियस, B 3 to 4 degree Celsius and C 5 to 6 degree Celsius and D 6 to 7 degree Celsius। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B जो है 3 to 4 degree Celsius वो करेक्ट हो जाएगा। What is the temperature of ultra pasteurization for milk? Ultra pasteurization of milk के लिए temperature कितनी होती है? A 125 to 138 degree Celsius, 115 to 120 degree Celsius and 63 degree Celsius and option number D is 63 to 65 degree Celsius। तो यहाँ पे option number जो होगा C वो correct हो जाएगा, क्योंकि ultra pasteurization of milk के लिए हम 63 degree Celsius पर pasteurization करते हैं for 30 minutes के लिए करते हैं, और इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पॉस्चराइजेशन, मतलब LT। तो क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द बैक्टोफंगेशन? बैक्टोफंगेशन क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस द रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिल्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी प्रोसेस द रिमूवल ऑफ ईस्ट एंड फंजाई फ्रॉम मिल्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, process of removal of microorganisms from milk using gravitational force and option number D is process of removal of yeasts and mold from milk using gravitational force। तो यहाँ पे fungo bacteriofungation जो होता है वो option number A यहाँ पे correct होगा, ये होता है process of removal of microorganisms from milk using centrifugal force, तो option number A correct हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर मिल्क पाउडर? इसमें मिल्क पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से तरह का ड्रायर यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्प्रे ड्रायर, बी कैबिनेट ड्रायर, सी न्यूमैटिक ड्रायर एंड डी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है स्प्रे ड्रायर जो होता है वो मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज स्किमिंग एफिशिएंसी? स्किमिंग एफिशिएंसी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए द अमाउंट ऑफ फैट दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, बी द अमाउंट ऑफ स्किम मिल्क दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम होल मिल्क एंड सी द अमाउंट ऑफ फैट दैट इज एडेड टू मिल्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज द अमाउंट ऑफ स्किम मिल्क दैट इज एडेड टू होल मिल्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ फैट दैट कैन बी सेपरेटेड स्किमिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 47,
What is the following step is not included in pulse milling? Pulse milling के step में इसमें से कौन सा option है जो नहीं होता है? Option number A, losing of husk. B, parboiling. C, dehusking. And D, splitting of pulses. तो pulses जो होते हैं उसमें जो step involved होते हैं losing of husk, dehusking, splitting of pulses. But यहाँ पे जो parboiling है वो rice के लिए use किया जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज पिटिंग? पिटिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इंपार्ट स्क्रैचेस एंड क्रैक्स ऑन हार्ड सीड कोर, बी रिमूविंग विड्स, एंड सी इज रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल बाय जिलेटिंग एजेंट्स, एंड डी रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल बाय एयर बबल्स. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पिटिंग होता है वो यूज होता है टू इम्पार्ट स्क्रैचेस क्रैक्स एंड डेंट्स ऑन ए हार्ड सीड कोर. तो दिस विल बी करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द सोकिंग पीरियड फॉर पल्सेस? पल्सेस जो होते हैं उसमें सोकिंग पीरियड कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सोकिंग क्योंकि दिस स्टेप इन्वॉल्व इन पल्स मिलिंग. तो सोकिंग पीरियड जो होता है वो 2 से 8 आवर, 2 to 6 आवर, 2 to 4 आवर एंड ऑप्शन नंबर डी 1 to 2 आवर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा. 2 से 8 घंटे के लिए हम जो हमारा वो पल्स होता है उसको सोक करके रखते हैं वाटर में. तो ये वेट मेथड में यूज होता है, और जिससे इस मेथड के बाद हम जो डस्ट डर्ट या चाप या स्टोन या मिच्योर जो पल्सेस होते हैं उनको इस मेथड के बाद निकाल देते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं इस मेथड को यूज करने के बाद. क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द ड्राइंग टेम्परेचर ऑफ पल्सेस? पल्सेस जो होते हैं उनकी ड्राइंग टेम्परेचर कितनी होती है? ए 26 to 48 डिग्री सेल्सियस, 60 to 120 डिग्री सेल्सियस, 80 to 135 डिग्री सेल्सियस, 100 to 120 डिग्री सेल्सियस. तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 60 to 120 डिग्री सेल्सियस जो होती है वो ड्राइंग टेम्परेचर होती है पल्सेस के लिए. क्लियर? जो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं. दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक. आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं. इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारे चैनल को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं इजीली. So thank you for watching this video. Please subscribe and like. Thank you.